इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपॉड स्टेम। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको कि डाइकॉट स्टेम की इंटरनल एनाटॉमी की बात करें कि एनाटॉमी जब अपन सेक्शन कटिंग करते हैं उसका टीएसएन फर्स्ट पार्ट, उसमें कौन कौन से टिश्यू दिखाई देते हैं। आज देखेंगे कि मोनोकॉट में कौन कौन से टिश्यू दिखाई देते हैं और क्या अंतर है थोड़ा सा मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेलुलर डायग्राम्स है, सेलुलर बता जिसमें कोशिकाएं दिखाई देती है, जिसमें कोशिकीय क्षेत्र है सारा का सारा, ये सेलुलर डायग्राम है। तो सबसे ऊपर जो लेयर है मोनोकॉट स्टेम में वो क्यूटिकल पाई जाती है। डाइकॉट में भी क्यूटिकल प्रेजेंट था और मोनोकॉट में भी क्यूटिकल प्रेजेंट था। डाइकॉट में यहां पर एपिडर्मिस भी पाए जाते, वो स्टेम हेयर्स पाए जाते थे जिन्हें ट्राइकॉम्स कहा जाता था, मल्टी सेलुलर। लेकिन यहां पर स्टेम हेयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं और सिर्फ क्यूटिकल पाई जाती है। इसके नीचे की तरफ जो है लेयर, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जो है एनाटॉमी सेक्शन कटिंग की, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर है पूरी की पूरी, और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है क्योंकि सारे सारे जो टिश्यू है उनका संरक्षा का कार्य किसके द्वारा किया था, प्रोटेक्शन का, एपिडर्मिस के द्वारा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस, अधस्त त्वचा। तो यहां पर जो हाइपोडर्मिस है मोनोकॉट पादपों में, एक बीज पत्री पादपों में, ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्प्लेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। पहले भी बताया कि सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के हैं, एक तो है मृदुतक पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग टिश्यू होते हैं जिनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, लिविंग होते हैं। दूसरे है कोलेनकाइमा टिश्यू, ये भी लिविंग होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, लेकिन इनके कोनों पर पेक्टिन का जमा पाया जाता है, पेक्टिन के कारण इनमें लचीलापन होता है। तीसरे प्रकार के जो टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या है कि शुरू में होते लिविंग है लेकिन इनके भित्ति पर लिग्निन का जमा हो जाता है, लिग्निन सुवेरिन का। तो सुवेरिन का जमा होने से ये जो कोशिकाएं होती है वो कुछ समय पश्चात डेड हो जाती है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो कोशिकाएं हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं दृढ़ता का, लेकिन ये डेड टिश्यू है। तो हाइपोडर्मिस जो मोनोकॉट स्टेम में है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है टिश्यू की, दृढ़ ऊतक की होती है, 2 से 3 लेयर यहाँ पर पाई जाती है। जबकि डाइकॉट स्टेम की बात करें तो ये कोलेनकाइमा की बनी है, क्लोरेनकाइमा की बनी हुई हो सकती है, यहाँ पर मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा में की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर कॉर्टेक्स दिखाई देता था, हाइपोडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसमें कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, मेडुला, पिथ जिसको कहा जाता है, मेडुलरी रेज, मज्जा किरणें, ये सारी चीजें एब्सेंट होती है, अर्थात इनमें विभेदन नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं होने के कारण सारी जो कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार की है, चाहे पित्त तक वो की वही कोशिकाएं फैली हुई रहेंगी अंदर तक, पित्त पर विभेदन नहीं है, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इस प्रकार का कोई विभेदन यहाँ पर नहीं है कि ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, ये पित्त है, इस प्रकार का डिफ्रेंशिएट नहीं है। सारे की सारी कोशिकाएं किस प्रकार की है, एक ही प्रकार की होंगी। और सबसे खास बात यह है इसके अंदर कि यहां पर जो वैस्कुलर बंडल्स है, डाइकॉट में जो वैस्कुलर बंडल थे वो सब किस में थे, एक रिंग में व्यवस्थित थे। सारे के सारे कैसे थे, एक रिंग में थे, ये रिंग में व्यवस्थित थे, वलय में पाए जाते, वलय में व्यवस्थित थे सारे, इस प्रकार रिंग में पाए। यहां पर जो वैस्कुलर बंडल्स है वो किस प्रकार के है, स्केटर्ड बिखरे हुए है, पूरे वैस्कुलर बंडल टिश्यू के अंदर अपर सेक्शन कटिंग है, पूरे के पूरे बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल जो कि बिखरे हुए होते हैं उनको कहा जाता है अटैक्टो स्टील, क्या कहा जाएगा, अटैक्टो स्टील। और डाइकॉट में जो कि रिंग में पाए जाते थे उनको कहा जाता था यू स्टील प्रकार के वैस्कुलर बंडल। तो मोनोकॉट में सबसे बड़ी बात कि मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो अटैक्टो स्टील प्रकार के पाए जाते हैं, विकर्ण बिखरे हुए पाए जाते हैं, और जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो कॉन्जॉइंट होंगे। कॉन्जॉइंट का मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं,
बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा, अंदर जाइलम होगा, एक ही त्रिज्या पर पाए जाएंगे। ये अंदर जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम, एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। कोलेट्रल, कोलेट्रल प्रकार के हैं कि केंद्र की ओर तो जाइलम, ये केंद्र की ओर क्या है जाइलम, और बाहर की ओर क्या है फ्लोएम, परिधि की ओर फ्लोएम पाया जाता है। तो ये हो गया कोलेट्रल प्रकार का। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, दोनों ही डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों में कॉन्जॉइंट कोलेट्रल पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स है वो ओपन प्रकार के हैं, ओपन नहीं क्लोज प्रकार के। यहाँ वैस्कुलर बंडल किस प्रकार के हैं, क्लोज बंद है, जबकि डाइकॉट में जो वैस्कुलर बंडल थे वो ओपन थे। ओपन का मतलब ये था कि वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम उपस्थित थी। क्या थी, डाइकॉट प्लांट में कैम्बियम पाई जाती थी इसलिए वो ओपन थी। मोनोकॉट पादपों में वैस्कुलर बंडल्स के जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाए जाते। कैम्बियम नहीं पाए जाने के कारण वैस्कुलर बंडल कौन से होंगे, क्लोज प्रकार के पाए जाते हैं। क्लोज है कैम्बियम नहीं पाई जाती, कैम्बियम नहीं होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने के कारण सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनते। इस कारण से आपने देखा होगा इनका तना पतला होता है, जबकि डाइकॉट प्लांट्स जो तने हैं बहुत ही मोटे होते हैं। क्यों, उनकी सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जाइलम बहुत अधिक मात्रा में अंदर बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बाहर बनता है, और वो ग्रोथ के कारण इसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो मोनोकॉट प्लांट्स में कैसे होंगे वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और क्लोज प्रकार के। तीसरा कि यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल्स है वो एंडार्क होंगे, यहाँ भी एंडार्क है और डाइकॉट में भी एंडार्क है। अर्थात इसका मतलब ये है कि डाइकॉट स्टेम हो मोनोकॉट स्टेम हो, स्थिति क्या होगी एंडार्क, अर्थात प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र की ओर होगा, प्रोटोजाइलम जो कोशिकाएं हैं वो केंद्र की ओर, मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर होगा। अर्थात पहले बनने वाला जो प्रोटोजाइलम है उसकी स्थिति केंद्र की ओर होगी, और बाद में बनने वाले जो कोशिकाएं हैं, जो बड़ी आकार की कोशिकाएं मेटाजाइलम है, वो बाहर परिधि की ओर होगा। मेटाजाइलम केंद्र की ओर, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर। प्रोटोजाइलम केंद्र में होने के कारण स्थिति कहा जाएगा एंडार्क, अंत आदि दारुक। प्रोटोजाइलम को कहा जाता है आदि दारुक। तो सबसे पहले बनने वाला प्रोटोजाइलम कहां पर है, केंद्र की ओर। ये देखिए सारा प्रोटोजाइलम कहां पर है, केंद्र की ओर है, ये केंद्र की, ये केंद्र की ओर। और जो मेटाजाइलम है, ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं वेसल्स की, ये कहां पर है, बाहर की ओर, परिधि की ओर है। तो इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है एंडार्क। ग्राउंड टिश्यू की बात की जाए तो ग्राउंड टिश्यू में विभेदन नहीं है, बता दिया आप। ये वैस्कुलर, हाँ देखी जाए तो ये जो वैस्कुलर बंडल्स है इनके बाहर चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकिल नहीं है, तो प्रत्येक वैस्कुलर बंडल के चारों ओर स्क्रेनकाइमा की बनी हुई एक शीट पाई जाती है, आवरण पाया जाता है। किन कोशिकाओं का, स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतकों का बंडल शीट। तो इसको कहा जाएगा स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, इसको कहा जाता है जिसके चारों ओर आवरण है, वो कहा जाता है बंडल शीट। अर्थात जो बंडलों को, वैस्कुलर बंडल्स को चारों ओर से परिबद्ध किए रहती है, घेरे हुए रहती है। और ये जो कोशिकाएं वो किस प्रकार की है, स्क्लेरेनकाइमा प्रकार की होती है, दृढ़ ऊतक की होती है ये कोशिकाएं। तो दोबारा एक बार देखें तो ये सेलुलर डायग्राम है, ये आउटलाइन है डाइक मोनोकॉट स्टेम का, सारा सारा चित्र है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि मोनोकॉट डाइकॉट में, डाइकॉट में मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते थे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर पाए जाते थे, जिन्हें ट्राइकॉम कहा जाता था। यहाँ पर ट्राइकॉम एब्सेंट होते हैं, ट्राइकॉम नहीं पाए जाते, स्टेम हेयर अनुपस्थित है। तो सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर होगी, और इसके क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्टिव है। यहाँ जब इस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है, ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्क्रेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। स्क्रेनकाइमा को रिप्रेजेंट करते इस प्रकार से, ये स्क्रेनकाइमा टिश्यू है। तो हाइपोडर्मिस स्क्रेनकाइमा का, जबकि डाइकॉट स्टेम में देखा जाए तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का, क्लोरेनकाइमा का बना हुआ होता है, या कहीं कहीं स्क्रेनकाइमा। यहाँ लेकिन मोनोकॉट में पूरा स्क्रेनकाइमा का बना हुआ होगा।
ग्राउंड टिश्यू में विभेदन नहीं होता है, जनरल कॉर्टेक्स हो, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुला, मेडुलरिस, इस प्रकार का कोई विभेदन नहीं पाया जाता है। फिर देखें यहाँ पर वैस्कुलर बंडल, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके वैस्कुलर बंडल से जो बिखरे हुए हैं, वहां डाइकॉट में एक रिंग में पाए जाते थे, यहाँ बिखरे हुए, बिखरे होने की स्थिति को कहा जाता है अटैक्सोस्टील। वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए, इसलिए पित्त यहाँ स्पष्ट कम होती है थोड़ा सा। और जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट होंगे, जुड़े हुए हैं, एक त्रिज्या पर होंगे, डायलम और फ्लोएम एक त्रिज्या पर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल जाइलम अंदर की और फ्लोएम बाहर की ओर, डाइकॉट वही सेम है। तो प्रोटोजाइलम बिल्कुल अंदर होगा, इसको एंडार्क स्थिति कहा जाएगा, कि ये एंडार्क, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, परिधि की ओर होगा। और क्लोज, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि मोनोकॉट स्टेम क्लोज प्रकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्लोज का मतलब है कि वहां पर कैम्बियम अनुपस्थित होती है, अर्थात द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वैस्कुलर बंडल है वो क्लोज होंगे, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क, ये डाइकॉट स्टेम में हो या मोनोकॉट में सेम है, लेकिन क्लोज कहां पर है, मोनोकॉट में, ओपन कहां पर है, डाइकॉट में। डाइकॉट में द्वितीयक वृद्धि होती है, यहाँ द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। सेम चीजें हैं, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, वहां वैस्कुलर बंडल एक रिंग में पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल बिखरे होने के कारण इनको अटैक्सोस्टील प्रकार का कहा जाता है, और डाइकॉट स्टेम में एक रिंग में होने के कारण उसको यू स्टील प्रकार के स्टील, यू स्टील कहा जाता है। ठीक, ये सारा चित्र है। ठीक, थैंक यू।